इस सरकार की नीयत सही नहीं है और उनको अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। कहने का मतलब वो बनावटी है बीजेपी के द्वारा, उनको उसकाया जा रहा है, वो तो हमारे भाई हैं। जो गेहूं काटते हुए दिखाया गया है तो वास्तव में गेहूं काटने वाला ही काम करना चाहिए, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। वो अभी कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर नाच का जोकर आप जानते हैं पड़ी है। यहाँ के सांसद जी ने अपने बेटे के ही फैसले को विवाद में डाल दिए, निषादों में दो ग्रुप बनाकर वहाँ विवाद खड़ा कर दिया गया, जिससे ये बाग मंडी नहीं बन पाई। सुल्तानपुर में नगर में जाम की समस्या है, जिसको इस सरकार, जिसके प्रति ये सरकार उदासीन है। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, नहीं घनश्याम तिवारी, जिनकी हत्या हुई थी और ये सरकार से उनकी पत्नी ने रोजगार की मांग की थी, जिसके प्रति इस सरकार की नीयत सही नहीं है और उनको अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। साथ ही साथ उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया और इसका कोई, इनको कोई न्याय नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ बाघ मंडी अभी भी आधा अधूरा है। इस सरकार, इस सांसद के उपेक्षा के कारण अगर आधा अधूरा है तो हम जैसे सांसद होंगे निश्चित तौर पर इस बाघ मंडी को बनवा कर उसको चालू करेंगे। दूसरे और तमाम यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, मछली मंडी नहीं है जिसे मछली के कारोबारी लोग अपने मछली के व्यवसाय को आजमगढ़ से शुरू करते हैं। इतनी दूरी पर जाकर लोग अपना जीवन जीवको पार्जन कर पा रहे हैं। इस सांसद जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस वर्ग से वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके विकास के लिए, उनके बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं है। और खासकर सांसद जी चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में नहीं दिखाई देती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग तो लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, चाहे छोटी या बड़ी समस्या, उसके लिए तत्पर रहूँगा। यहाँ के लोगों का मान सम्मान गिरने नहीं पाएगा, उनके हर कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। सुल्तानपुर की जनता उपेक्षित है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि एक नेता जो हम लोगों के बीच में रहने वाला, हमारी बात सुन सकता है, उनसे अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, इस आधार पर इस बार सुल्तानपुर की जनता वोट दे। ओम प्रकाश राजभर जनसभा में आए थे तो उनसे एक प्रश्न हुआ कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी क्या कमाल करेगी, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि वो बच्चे हैं, हम उनके चाचे हैं, इस पर क्या कहना चाहते? वो अभी कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर नाच का जोकर आप जानते हैं, जोकर जोकर है, सही चीज जोकर शब्द ओम प्रकाश राजभर पर लागू होता है। आप लोग देखे होंगे अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ पर जोड़ के, उसके बाद फिर पलट गए, तो इनका क्या करना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो
गेहूं काटते हुए दिखाया गया है, तो वास्तव में गेहूं काटने वाला ही काम करना चाहिए, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे झंडा लेकर आपका प्रचार कर रहे हैं, अभी हमको तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है और हमारे समझ से आचार संहिता का उल्लंघन हम नहीं किए हैं। विपक्षी नोट अभी हमको हमें नहीं मालूम है, नोटिस जारी हुआ कि क्या हुआ। आपके आगमन पर सौली विधायक नहीं मौजूद थे और अभी नहीं मौजूद, क्या कहना चाहेंगे? वो अभी तबीयत खराब है, हमसे बात हुई तो विधायक जी ने कहा कि कुछ गड़बड़ खाना खा लिए थे, मछली खा लिए थे। तो अरे भाई एक आदमी बोली, कितना भरोसा है कि नामांकन तक आप लिख पाएंगे? भरोसा ये इसका क्या जवाब? अच्छा अच्छा, हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला है, उनका जो आदेश होगा उसका पालन होगा। प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी रहूँगा। सारे प्रश्न वो विधायक सबसे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं वो विधायक जी। अभी आप समय आने दीजिए।